हम अपने अंदर की जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आज मैं उसी से रिलेटेड आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, मैं एक होप नोपनो हीलर भी हूँ। मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी मुझे नॉलेज है, जिसको भी मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया है और रिजल्ट क्रिएट किए हैं, मैं वो टेक्निक्स आपसे शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका नाम है EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। इमोशनल मीन्स हमारे अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, फ्रीडम मीन्स उनसे हमें फ्रीडम मिलने वाली है। कैसे? बाय टैपिंग। टैप करके हम अपने बॉडी के कुछ पॉइंट्स पे हम टैपिंग करेंगे, उस टैपिंग से हमारे अंदर की जो भी ब्लॉक्ड नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी और फिर हमारी लाइफ में जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है वो होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अगर हमारे अंदर की एनर्जी नेगेटिव है, हम बाहर से जो भी अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी भी, तो हम उसे अपने पास होल्ड नहीं करके रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से पॉजिटिविटी का दरवाज़ा बंद है। तो ये चीज़ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि नेगेटिविटी को ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर जगह भी तो होनी चाहिए पॉजिटिविटी को एंटर होने के लिए, उसको स्टे करने के लिए। तो उसके लिए हमें ये सेकंड टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने लाइफ की, हम अपने अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली टेक्निक मैंने एक आधी वीडियो में बताई है आपको, होपोनोपोनो टेक्निक, और ये दूसरी टेक्निक है EFT। ये दोनों टेक्निक्स जो हैं वो नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास एफर्मेशंस हैं, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, वाटर बॉटल टेक्निक है, बट नेगेटिव एनर्जी को भी ख़त्म करना इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि पॉजिटिविटी को भी तो हमारे पास रहना है, वो कहाँ रहेगी अगर हमारे अंदर ही नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। तो इस टेक्निक का थोड़ा सा साइंस जानते हैं। यूनिवर्स में देखो, हर चीज़ एनर्जी है। हम जैसे भी दिख रहे हैं वैसा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारी वाइब्रेशन सबकी अलग अलग है। हम सभी की एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है, उसी की वजह से हमारी जो फॉर्म बनी हुई है, मैं ऐसे दिख रही हूँ, ये फ़ोन ऐसे दिख रहा है, ये जो भी दिख रहा है हमें अपनी आँखों से, वो उसी फ्रिक्वेंसी की वजह से दिख रहा है। तो हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन है तो हमारी अंदर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? नेगेटिव। और जैसी फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर की होती है ना, हमारे बाहर भी वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होती है और वापस हमें वैसा ही रिज़ल्ट मिलता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हमें बाहर से भी नेगेटिविटी मिलेगी, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हमें बाहर से भी पॉजिटिविटी मिलेगी। वैसा ही अट्रैक्शन होगा, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला रूल है ये। तो EFT को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये इसी टैपिंग करने से क्या होता है, हमारे अंदर के जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका जो साइंस है वो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। और इसको सबसे पहले यूज़ किया है गैरी क्रेग नाम के एक पर्सन ने, और उन्होंने मतलब बहुत रिसर्च करके उन्होंने पता लगाया है कि हमारी बॉडी में कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, सर्टेन मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। मेरिडियन पॉइंट्स को जैसे कि एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है, उसमें क्या करते हैं, उनको पता होता है ना, जैसे हम नब्ज देख के किसी की बीमारी जान लेते हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे जिनसे हमें हमारी बीमारी का पता चल जाता है। वो होता क्या है, एक्चुअल में ब्लॉकेजेस होती हैं, जिस भी पोर्शन में ब्लॉकेजेस है उसे रिलेटेड उसी एरिया के आसपास हमें सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर टैपिंग करते हैं और उसके ऊपर अपनी ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, और सांस के साथ हम वहाँ से जो भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव करते हैं और कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। जो स्टेटमेंट है उसका भी एक पैटर्न है, उस स्टेटमेंट को हम, और स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, बस उसको एक बोलने का तरीका है। तो उसको हम यूज़ करके अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो हमारी कोई भी आप हैंड ले सकते हैं, लेफ्ट ले सकते हैं, राइट हैंड ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जैसे मैं क्या करती हूँ, लेफ़्ट हैंड पे अपने ये जो चार उंगलियाँ हैं मेरी, इनके साथ मैं टैपिंग करती हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट, ये जो होता है, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी टैपिंग करते हैं, ना बहुत ज़्यादा करते हैं ना बहुत कम करते हैं, जितना आप उसको इजीली बेयरेबल लगे, आपको थोड़ा सा महसूस हो तो आप उसको यहाँ पे टैपिंग करेंगे। इसको टैपिंग करते करते हम यहाँ पे स्टेटमेंट बोलेंगे, एक जो स्टेटमेंट का फर्स्ट हाफ नेगेटिव होगा और सेकेंड हाफ पॉजिटिव होगा। तो जैसे कि मान लो मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो,
मान लो कि मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है किसी भी चीज़ को लेके, पेपर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, हमें अचानक से टेंशन होने शुरू हो गई है किसी फ्यूचर को लेके, तो हम करेंगे एंग्जाइटी के लिए। एंग्जाइटी एक नेगेटिव इमोशन है, तो इसे हम अंदर से रिलीज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि चाहे बहुत बार मैं बिना वजह परेशान होती हूँ कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर का सोच के, या इस छोटी सी चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ और अपने आप को परेशान कर रही हूँ, फिर भी, अब ये फिर भी से हमारी अगली पॉजिटिव स्टेटमेंट शुरू हो गई, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये हाफ नेगेटिव, कि चाहे मैं ये सब कुछ कर रही हूँ बट मैं फिर भी खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, खुद को प्यार करती हूँ। तो हम इसको तीन बार बोलेंगे। तीनों बार स्टेटमेंट जो है वो आपकी बहुत जेन्युइन होनी चाहिए, आपके अंदर से आनी चाहिए। ये जो मैं एंग्जाइटी के टाइम पे अपने आप को फील करती हूँ, मैं वो बोल रही हूँ, आप वो बोल सकते हैं जो आपको फील होता है, कि चाहे मैं बिना वजह परेशान हो रही हूँ, मेरे अंदर एंग्जाइटी हो रही है, मुझे फील हो रही है और इसको लेके मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ, अपने आप को मैं तकलीफ़ दे रही हूँ, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। अब यहाँ पे हम सांस लेंगे और छोड़ देंगे। फिर से आप एक बार बोलोगे, ये दो बार हमने बोली और यहाँ पे टैपिंग करते रहेंगे। थर्ड टाइम फिर बोलेंगे कि चाहे बहुत बार मैं छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होती रहती हूँ और ये एंग्जाइटी मेरे अंदर कहीं ना कहीं रेस्ट कर रही है, पता नहीं कितने सालों से, कितने टाइम से, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। तो ये तीन बार आपने स्टेटमेंट बोली और उसके बाद एक आप डीप लंबा गहरा सांस लोगे इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर टैपिंग करेंगे। ये दो फिंगर्स लेंगे हम अपनी, फर्स्ट टू फिंगर्स, और ये जो हमारे आईब्रोज जहाँ से शुरू होते हैं इसके बीच में हम टैपिंग करेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे हम टैपिंग करेंगे वहाँ पे हम जो भी इमोशन को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं हम उसका नाम लेंगे। कि जैसे मैं अपने अंदर से एंग्जाइटी ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं उसका नाम लूँगी कि जो भी एंग्जाइटी, जो भी चिंता, जो भी वरी, जो भी टेंशन मेरे अंदर है, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। चाहे तो आप उसको ऐसे सांस भरते हुए सांस छोड़ सकते हो। मैं जैसे करती हूँ मैं आपको वैसे बता रही हूँ और मुझे इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे, ये जो हमारा एरिया है ये वाला, जो भी एंग्जाइटी, जो भी टेंशन मेरे इस पोर्शन पे है, मेरे मन में है, मैं उसको पूरी तरह से अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़। फिर हम यहाँ पे करेंगे अपने टॉप ऑफ द हेड पे, जो भी एंग्जाइटी, जो भी टेंशन मेरे अंदर है, मैं आज उसको पूरी तरह से डीपली एंड कम्प्लीटली अपने अंदर से बाहर करती हूँ और मैं उसको करती हूँ रिलीज़। और आईज़ के नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा डेलिकेट सा एरिया है, कई बार हमें पेन भी होती है स्टार्टिंग में, डिपेंड अपॉन कितनी ब्लॉकेजेस हैं, तो यहाँ पे हम हल्का हल्का करेंगे। एनी एंग्जाइटी फीलिंग, एनी वरी, कोई भी टेंशन जो भी मेरे शरीर के अंदर है, मैं उसे पूरी तरह से बाहर करती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी टेंशन जो मेरे अंदर है, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। फिर यहाँ पे चिन पे, यहाँ पे जो भी एंग्जाइटी, जो भी वरी मेरे अंदर है, मैं उसको पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़, इसको बोल भी सकते हैं आप। फिर यहाँ पे हमारे कॉलर बोन्स होती हैं, हम यहाँ पे करेंगे, मेरे अंदर जो भी एंग्जाइटी है, जो भी नेगेटिव फीलिंग है, वरी है, टेंशन है, मैं उसको पूरी तरह से अपने शरीर से आज बाहर करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़। सांस लेते जाना है इस प्रोसेस के बीच में, सांस थोड़ा थोड़ा लेते जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे थोड़ी सी करेंगे, कोई भी टेंशन, कोई भी वरी फीलिंग, कोई भी एंग्जाइटी मेरे अंदर जो भी है, मैं उसको रिलीज़ करती हूँ। तो यहाँ पे किया सेकंड, इधर किया हमने, जो भी टेंशन, जो भी वरी, जो भी नेगेटिव फीलिंग मेरे अंदर है, एंग्जाइटी है, मैं उसको अभी रिलीज़ करती हूँ पूरी तरह से, डीपली एंड कम्प्लीटली। उसके बाद हम करेंगे, हमारा ये जो थंब है, दोनों में से कोई भी हैंड ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जहाँ पे ये नेल और ये जो स्किन हमारी मैच करती है,
यहाँ पे इस पोर्शन के ऊपर हम टैपिंग करेंगे और यहाँ पे हम वही वर्ड्स बोलेंगे जो भी हमें फील हो रहे हैं। मेरे अंदर जो भी टेंशन है मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। एनी वरी रिलीज़, एनी टेंशन रिलीज़। मुझे जो भी टेंशन हो रही है, जो भी एंग्जाइटी है, मैं उसे पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ। जो भी वरी फीलिंग, जो भी एंग्जाइटी मेरे अंदर है, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ। तो ऐसे करते करते थंब से शुरू होके फिर ये फिंगर, फिर फिंगर चेंज करते रहेंगे, नेक्स्ट फिंगर, नेक्स्ट फिंगर, और उसके बाद नेक्स्ट फिंगर, और सभी फिंगर्स पे हम करके फिर से इसी पॉइंट पे आएंगे, कराटे चॉप पॉइंट पे। इस पे फिर हम वही स्टेटमेंट दोहराएंगे कि चाहे बहुत बार बिना वजह मैं एंग्जाइटी फील करती हूँ, मेरे अंदर ये एंग्जाइटी है और मैं अपने आप को परेशान करती हूँ बिना वजह, फिर भी मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। और इसके बाद फिर से हम सांस लेंगे एक और उसे छोड़ देंगे। ये एक सेट हुआ EFT का। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई स्टार्टिंग में, जब भी आप EFT करने जाओ उससे पहले आप जिस भी इमोशन के लिए करने वाले हो उस इमोशन को आप पहले अपना 0 से लेकर 10 तक उसको एक नंबर दे दो कि इस टाइम पे ये फीलिंग कितनी ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है। मान लो इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक जैसी फीलिंग हो रही है एंग्जाइटी को लेके, तो मैं उसको 8 या 9 पॉइंट दे दूँगी, वो इतना नंबर होगा। उसको पॉइंट दे दिया आपने पेन पेपर लेके, उसके ऊपर लिख दिया कि अभी मुझे ये एंग्जाइटी है, ये जो 9 नंबर पर मुझे इतनी फ़ील हो रही है, इतनी ज़्यादा है। उसके बाद आप ये इसका एक सेट करोगे, फिर आप देखोगे उस एक सेट को करने के बाद आप फिर चेक करोगे कि अब भी 9 है या थोड़ी कम हुई है, फिर उसको 8 पे लेके आओगे, 7 पे लेके आओगे, और तब तक ये राउंड्स आप करते रहोगे। मिनिमम 3 राउंड्स कंपलसरी हैं, मिनिमम 3 राउंड्स तो करने ही हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए। उसके बाद फिर उसको स्केल से 9 से नंबरिंग दी थी हमने, 9 से लेके उसको 0 करना है, उसको 0 करके छोड़ना है। और आप देखोगे कि आपको 10 से ज़्यादा राउंड्स की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स क्योर की हैं, मेरी फैमिली में बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया है। तो आप भी इसको यूज़ करना और पूरी डेडिकेशन के साथ करना। अगर सच में आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो तो पहले आपको इसको, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा। आई होप ये आप वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हुई होगी, आपको ये अच्छी लगी होगी ये वीडियो। इसको यूज़ करें, इसका जो भी रिज़ल्ट है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं कि ऐसी वीडियोस मैं और लेके आती रहूं और आपको हेल्प करती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।